तो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव का पद संभालने के बाद यूपी में कांग्रेस को रेस में लाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। इससे कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने कार्यालय के बाहर आयरन लेडी का पोस्टर भी लगा दिया है। पोस्टर लगाने वाले राहुल अवस्थी से बात की हमारे संवाददाता दिनेश त्रिपाठी ने। मौजूद हूँ कांग्रेस मुख्यालय पर, जहाँ आपको बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा अंदर बैठक ले रही हैं, बाहर उनके समर्थक पोस्टर लगाए हुए हैं, आयरन लेडी इज बैक। हमारे साथ राहुल अवस्थी मौजूद हैं, जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। राहुल जी, ये आयरन लेडी इज बैक का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, मोदी जी बोलते थे हम 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, हम चौकीदार हैं, हम ये हैं, वो तमाम तरीके के झूठ बोलते हैं देश से। उसको उस सब को नकार के हमारी दीदी ने ये दिखा दिया, बोलते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। लखनऊ में लगातार इतना व्यस्त रोड शो होने के बाद उसके बाद जयपुर जाना, फिर अगले दिन सुबह आना, फिर अगले दिन सुबह दोपहर 12 बजे से मीटिंग लेना और बिना रुके लगातार सुबह 5 बजे तक मीटिंग लेना, उन्होंने दिखा दिया है कि हमारी दीदी आयरन लेडी हैं, आयरन लेडीज बैक। और मोदी जी को जाना पड़ेगा, हम 80 में से 80 सीटें जीत के दिखाएंगे। दीदी की मेहनत पे हम कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है और मोदी जी को भगाने के लिए तैयार है। इस पोस्टर को मैं बता दूं कि इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा में इंदिरा गांधी दिखती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से इंदिरा गांधी जी जिस हिसाब से चश्मा लगाती थी उस हिसाब से इन्होंने पोस्टर बनवाया है, उसी स्टाइल में प्रियंका वाड्रा बैठी हुई हैं और मीटिंगें कर रही हैं, उनके समर्थक बाहर ये पोस्टर लगाए हैं। प्रियंका दीदी ने ठाना है देश में कांग्रेस लाना है। राहुल अवस्थी ने ये पोस्टर लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय सहित कई जगह पर लगाया है। आपकी मुलाकात प्रियंका जी से हुई क्या? जी, मेरी मुलाकात कल हुई थी लखनऊ की मीटिंग में। हमने उनको लखनऊ की जन समस्याएं और जो सुझाव हो सकते थे कार्यकर्ता के वो दिए हैं। हमारी मुलाकात कल हुई थी। क्या उन्होंने मंत्र दिया 2019 जीतने का? हमारा बूथ करो मजबूत, कांग्रेस का बूथ करो मजबूत। अभी तो कांग्रेस का बूथ बिल्कुल एकदम खराब है, कोई भी संगठन नहीं है बूथ लेवल पे, तो इतना जल्दी कम समय, चुनाव में कम समय है, कैसे आप उसको तैयार कर पाएंगे 2019 लोकसभा से? हमारे लिए कोई भी समय कम नहीं है। हमारी दीदी जहां जैसा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आदेश दे देंगी, हम बढ़ चढ़ कर कम समय में अधिक मेहनत करके हम दिखा देंगे। हमारे अंदर छल कपट नहीं है, हमारे अंदर झूठ और छलावा नहीं है मोदी जी की तरीके। हम कांग्रेसी कार्यकर्ता एकदम सच्चे हैं। हम गांव-गांव जाएंगे और बूथ पे लोगों के पास जाएंगे, अपनी सच्चाई और ईमानदारी बताएंगे। जो उन्होंने युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था, जो युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, जो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ होने की बात कही थी वो कर्जा माफ नहीं किया है, नौकरी नहीं मिली है, एक भी वादा मोदी जी ने अपना पूरा नहीं किया है। और हम जाके जनता को पूरा बताएंगे और कांग्रेस सच्चाई की रास्ते पे चलती है और हम सच्चाई के साथ जाके 2019 और 22 दोनों चुनाव जीत के आएंगे। आयरन लेडीज बैक का उद्देश्य क्या है कि आप प्रियंका जी को किस उसमें देखते हैं? क्या वास्तव में प्रियंका इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, उनकी तरह काम कर पाएंगी या कर रही हैं? बिल्कुल इंदिरा जी की तरीके काम कर रही हैं, इंदिरा जी का खून है इसमें कोई वो नहीं, और इंदिरा जी की तरीके काम भी कर रही हैं, इंदिरा जी की तरह दिखती भी हैं। और हम इससे कार्यकर्ताओं में एक बहुत उत्साह आ गया है प्रियंका जी के नाम के आने से। अभी तो उन्होंने अपने दौरे नहीं चालू किए हैं, लखनऊ की जनता अंदर अंदर से उमड़ पड़ी है केवल उनको देखने मात्र के लिए कि हमारी इंदिरा वापस आ गई, इंदिरा गांधी वापस आ गई। ये थे आयरन लेडी इज बैक पोस्टर बनवाने वाले राहुल अवस्थी, जिनका कहना है कि प्रियंका वाड्रा नहीं, ये इंदिरा गांधी हैं और ये जो है 2019 में 80 में से 80 सीटें जीतेंगी। प्रियंका जी मोदी जी से कहीं बेहतर हैं, उन्होंने जिस हिसाब से अपने 3 दिवसीय दौरे में बैठकें कर करके लोगों से मिलकर दिखाया है, वो आयरन लेडी ही हो सकती है। कैमरामैन आशीष के साथ दिनेश त्रिपाठी, TV24।